कैफे में जा रहा हूँ। 2019 के बाद की अगर मैं बात करूँ, कोई भी सारांश संशोधन जो है वो नहीं किया। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव करवाओ, चुनाव करो, चाली वोटर बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू कश्मीर में विधान सभा के चुनाव करो, कश्मीर में लोकतंत्र बंद करो, बंद करो, बंद करो, कश्मीर में लोकतंत्र बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन मीडिया बीजेपी का टट्टू बनना बंद करो, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का टट्टू बनना बंद करो, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का माउथ पीस बनना बंद करो, बीजेपी इलेक्शन कमीशन मीडिया के बंदर मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो, इसीलिए और इन इलेक्शंस को लगातार डिले और डिनाई किया जा रहा है, और यहाँ जिस तरीके से ये तमाशा किया जा रहा है ये सिर्फ एक मजाक किया जा रहा है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनका प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में खत्म हो, सिर्फ मीटिंगें की जाती हैं इलेक्शन करवाने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए कोई भी कदम इस सरकार द्वारा नहीं उठाया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर इलेक्शंस को लगातार डिले और डिनाई किया जा रहा है, 25 लाख जो वोटर जा रहे हैं इसके ऊपर हमारा सख्त एतराज है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन कैन नॉट बी परमानेंट वोटर, और ये कानून की धज्जियां उड़ाकर वोटर लेकिन आप लेकर यहाँ वोटर बनाया जाएगा, दैट्स अनएक्सेप्टेबल, दैट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ अदर स्टेट कैन नॉट बिकम अ वोटर ओनली for the reason that he is working here or is temporarily residing here. The law is being misinterpreted, it's being misrepresented because BJP has lost ground in Jammu and Kashmir, so they want to import voters from outside and change the demography of Jammu and Kashmir and they want to rig the election. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट भी फेल किया जा रहा हमारी। ऐसा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो मुख्यतः रूप से यही बात है कि जो वोटर लिस्ट की रिवीजन को लेकर है, जो 1-10 से लेकर और 25-11 तक फाइनल उनकी वोटर लिस्ट निकलेगी, उसके बीच में जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी बातचीत होगी, हम उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, और हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे वातावरण में चुनाव हो और रिवीजन के बाद, क्योंकि लगभग 4.25 साल के अंतराल के बाद रिवीजन हो रही है, वोटर लिस्टें जो हैं वो नई बन रही हैं, इसमें हर तरह के लोग जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ जिनके प्रावधान के अंतर्गत वोट बनने चाहिए उनके वोट जो है वो सच में जी। इसको लेकर विवाद भी हुआ है, हमने देखा कि किस प्रकार जब जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, उसके बाद काफी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है PDP है, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जम्मू कश्मीर में जो दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं उनको अगर वोट का अधिकार दिया जाएगा वो गलत होगा, उन्होंने इसका विरोध किया। अगर हमारे लोगों को दिल्ली में जाकर वोट डालने का हक है, अगर हमारे लोगों को दिल्ली जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर चुनाव लड़ने का हक है, तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ आकर लोग जो हैं वो सेटल हो गए हैं, क्या उनको वोट डालने का हक नहीं है? पूरे जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पूरे केंद्र के जो प्रावधान है यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, उसी प्रावधान के अंतर्गत हम लोग जो चाहते हैं कि जो लोग भी एलिजिबल हैं उन लोगों को वोट डालने का हक मिले। कोई मेमोरेंडम भी लाया है? नहीं, हम देखते हैं कि वो क्या पेश करते हैं, क्या बात करते हैं, पहले उनके विचार सुनते हैं, उसके बाद हम बात बताएंगे, बाहर आके हम बताएंगे कि भी हमने बाकी जो ऑलरेडी हमारी जो फैसला जो किया हुआ ऑल पार्टीज ने, तो उसके ऊपर हम स्टैंड तो हमारा है। पर योगेश जी, मुद्दा जो बना हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना हुआ है, आप 25 लाख वोटरों के खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है तो जवाहरलाल नेहरू के समय का। हम किसी के खिलाफ नहीं है, पहले हमें देखने दीजिए पेश क्या करते हैं। अभी तो हमने कागज पेश ही नहीं किए, अभी तो उठती बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, अब पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं ब्रिटेन में क्या पेश करते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो दो है 1950 और 51 का, जो पूरे देश भर में लागू है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। देश के अन्य लोग जो यहाँ पे ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है वो एलिजिबल है यहाँ पे वोटर कार्ड प्राप्ति करने के लिए, प्रोवाइडेड वो पिछला अपना वोटर कार्ड कटवा देते हैं। और यही परिस्थिति जम्मू का कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, यूपी में रह रहा है, कर्नाटका में रह रहा है, कहीं पर भी रह रहा है, वो भी एंजॉय करता है। अब समस्या ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर बेस्ड जिन्होंने पिछले 70 साल में पाकिस्तान और ISI की एजेंडा को जम्मू कश्मीर में चलाया, जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण किया, डेमोग्राफी चेंज करने की ये बात करते हैं ना, 1990s में हिंदू विहीन कर दिया गया कश्मीर को, और उसके बाद डेमोग्राफिक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड असॉल्ट के जरिए जम्मू संभाग का इस्लामीकरण किया गया, रोशनी कानून, 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी की सेटलमेंट्स, यहाँ के रिवर बेड्स पे और फॉरेस्ट बेड्स पे एक्सक्लूसिवली मुसलमानों का कानून बना के हर तरीके से मदद करके कब्जा करवाना, जिसके सबूत आपके हाई कोर्ट्स में है, तमाम और कोर्ट्स में, पब्लिक डोमेन में भी है, वो हुआ। और भाजपा ने जो धोखा दिया जम्मू संभाग के लोगों को वो ये कि ये जो राष्ट्रवादी समाज का हिंदुस्तानियों को जब यहाँ पे वोटिंग का हक मिलेगा तो उनका जो बेस बढ़ेगा उस बेस को अनअकाउंट फॉर कर दिया। यानी कैसे, देखिए 2011 के सेंसिस के आधार पे डिलिमिटेशन करवा के इन्होंने ये तय कर दिया कि जम्मू को 43 सीट देंगे, कश्मीर को 47 देंगे। अगर आज ये बढ़े हुए वोटर की जनसंख्या को अकाउंट फॉर किया जाता तो जम्मू संभाग को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को 40 मिलती, जम्मू संभाग से मुख्यमंत्री बनता, राष्ट्रवादी समाज यहाँ पे मजबूत होता। लेकिन प्रॉब्लम समस्या यही है कि भाजपा भी कांग्रेस की पिछले 70 साल की वही पॉलिसी लेके जम्मू कश्मीर में चल रही है, जहाँ ये निहित है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सत्ता हमेशा कश्मीरियों के हाथ में ही दी जाएगी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने वाली परिस्थिति क्यों ना। उनको भी वोट कहा के 25 लाख उनकी तादाद बताई, किस तरह से PDP अंदर बात करेगा उस इशू को? नहीं तो हम ये कहेंगे कि ये 25 लाख इनजस्टिस है हमारे लिए, हमारी तो जम्मू वालों की, तो डोगरों की, तो लोगों की तो आइडेंटिटी खत्म कर रही है। यहाँ 25 लाख लोग बाहर से आके वोट डालेंगे तो फिर जो जो हमारे को जो सर्व बकाए थे 370 के 35A के हटाने के और यूटी देने के, कि आपको ये करेंगे तो उसका ये दिया कि 25 लाख वोट बाहर से आके वोट डालेंगे तो हम यहाँ बैठे रहे देखते रहे कि हम के और क्या तो कुछ रहेगा एजेंडे में आप वो आप देखते हैं, आप अंदर से बात करते हैं उसे कोई बात नहीं, उसमें तैयार इलेक्शन तो लड़ेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें तो आप पीछे क्यों उठेंगे, वो तो करेंगे आप, इलेक्शन तो लड़ेंगे। हमारे ऑब्जेक्शन थे, हमने ऑलरेडी ये इशू उठाए हैं कि हमें क्लैरिफाई कीजिए कि भाई आप 25 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं कि हम ऐड करने जा रहे हैं तो ये आंकड़ा कहाँ से आया। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई भाई के लोगों को हम वोटर्स बनाएंगे, उसका क्या क्राइटेरिया, क्या उसका सिस्टम है, क्या आप उसका जो ऑर्डिनरीली आप कह रहे हैं रेजिडेंस होने चाहिए, क्या कोई लिमिट है उसकी, या जो आपने यहाँ पे बता रहे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को वोट बनाएंगे हम, क्या डिस्टर्ब एरिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले वोट कास्ट कर सकते हैं या आर्मी वाले वोट कास्ट कर सकते हैं, क्या उनकी जो फैमिली जहाँ रहती होगी क्या उनके वोट आप बनाएंगे। तो इस किस्म की क्वेश्चन हमारी, हम चाहते थे कि भाई आप क्लैरिफाई कीजिए, लेकिन इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया बल्कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। हमारा ये कहना है कि साहब गवर्नमेंट इलेक्शन कंडक्ट कर रही है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कर रहा है, तो आज आप क्या बातें रखेंगे अंदर? हम ये जो भी ऑब्जेक्शन हमने उठाए हुए हैं हम उसकी क्लैरिफिकेशन पूछेंगे इनसे और हमें उम्मीद है कि इनको देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यह नहीं है कि किस लिए बुलाई, अब जाके ही पता चलेगा, तो उस पर जाके बात करेंगे। जो लोगों के खदशात हैं, जो पहले इन्होंने एक बात निकाली थी, तो अब वहाँ बात करेंगे, 25 लाख उसी पे बात करेंगे ना, कैसे बना सकते हैं वही बात करेंगे। इन्होंने कहा कि बाद में एक स्टैंड भी क्लियर किया गया, तो वही आज क्लैरिटी आएगी ना, पूछेंगे ना। लेकिन हमारा ये है कि अभी एजेंडा इन्होंने दिया नहीं है, अब जाके देखेंगे क्या है। पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव करवाओ, चुनाव करो। 40 वोटर बर्दाश्त नहीं, 40 वोटर बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
कश्मीर में विधान सभा के चुनाव कराओ, कश्मीर की पहचान करो, लोकतंत्र बहाल कराओ, लोकतंत्र बहाल कराओ, बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का टट्टू बंदा बंद कराओ, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का टट्टू बंदा बंद कराओ, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का माउथ पीस बंदा बंद करो, बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या करना बंद।